गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम हेयर अगेन बिफोर यू। हाउ आर यू? आई थिंक सो यू आर फाइन। आज बेटा हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, रिलेटेड टू द चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो देखेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? Why is hand picking not suitable if the quantities of impurities are large? पहले क्वेश्चन है इसमें कि why do we separate substances को हम सेपरेट मिक्सचर के सब्सटेंसेज को हम सेपरेट क्यों करते हैं जो उसमें होते हैं प्रेजेंट। और दूसरा इसी में क्वेश्चन है why is hand picking suitable क्यों नहीं है जब impurities जो हैं वो large quantity में प्रेजेंट हैं। अब देखिए आंसर, वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज फ्रॉम अ मिक्सचर बिकॉज सम कंपोनेंट्स मे नॉट बी यूजफुल। बिकॉज मिक्सचर में कुछ सब्सटेंसेज ऐसे भी प्रेजेंट होंगे जो हमारे यूज के नहीं होंगे। एक रीज़न तो ये हो गया सेपरेशन का, है ना। और दूसरा रीज़न ये हो गया बेटा, मे स्पॉइल द यूजफुल सब्सटेंसेज। और जो मिक्सचर में यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, प्रेजेंट हैं, उनको भी वो सब्सटेंसेस खराब कर सकते हैं, ठीक है, उनको स्पॉइल कर सकते हैं। इसीलिए दैट्स व्हाई वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमें सेपरेट करने की नीड होती है। अब दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आते हैं, हैंड पिकिंग वाले में। हैंड पिकिंग इज नॉट सुटेबल इफ़ द क्वान्टिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज आर लार्ज। अगर इम्प्योरिटीज जो हैं लार्ज क्वान्टिटी में प्रेजेंट हैं तब हैंड पिकिंग हम नहीं यूज कर सकते। रीजन, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट एफर्ट, क्योंकि हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसको रिमूव करने में। एंड इट विल ऑल्सो टेक टाइम टेकिंग भी होगा और एफर्ट्स भी ज़्यादा करने होंगे हैंड पिकिंग के प्रोसेस में। इसीलिए जब लार्ज क्वांटिटीज में मिक्सचर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं तब देन वी डोंट यूज दिस हैंड पिकिंग प्रोसेस। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग में डिफरेंस क्या है? देखिए, थ्रेशिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ। शेफ से ग्रेन को सेपरेट करते हैं हम इसमें आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, ठीक है बेटा। उनके क्रॉप के बंडल्स बनाए जाते हैं और उनको हार्ड सरफेस पे बीट किया जाता है, ठीक है। सो दैट शेफ से ग्रेन्स जो हमारे लिए जरूरी है उनको सेपरेट कर लिया जाए। विनोइंग में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर components of a mixture by wind. After threshing जो grains हमको मिलते हैं बेटा उसमें husk जो कि lighter होता है वो weight में कम होता है उसको separate करने के लिए बेटा ये winnowing use किया जाता है। और इसमें हम help लेते हैं wind की। wind की help से क्या होता है, husk तो क्योंकि लाइटर है वेट में तो वो दूर जाके गिर जाते हैं और जबकि ग्रेन्स जो है वो पास में ही रह जाते हैं। दूसरा पॉइंट थ्रेशिंग में देखिए, इट इज़ ईदर डन मैनुअली और बाय थ्रेशर। या तो ये मैनुअली, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो वो बंडल्स को, वो कल्टीवेटेड क्रॉप है उनके बंडल्स को वो बीट कर रहे हैं, या फिर थ्रेशर मशीन होती है वैसे करते हैं, कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो स्मॉल स्केल फॉर्मर्स हैं बेटा वो मैनुअली करते हैं और जो लार्ज स्केल के फॉर्मर्स हैं वो थ्रेशिंग मशीन यूज़ करते हैं, थ्रेशर की मशीन होती है। और विनोइंग में देखिए बेटा, इट इज़ कैरीड आउट बाय विनोइंग मशीन। विनोइंग मशीन की हेल्प ली, विनोइंग मशीन में सिर्फ इतना है बेटा विंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, टू सेपरेट द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। ओके बेटा, आई थिंक सो यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन
से आप क्या समझते हैं, गिव एटलीस्ट थ्री डिफरेंट एप्लीकेशन वेयर फिल्ट्रेशन इज यूज। हमारे घरों में फिल्ट्रेशन जहाँ यूज़ किया जाता है उनके थ्री एप्लीकेशन आपको बताने हैं। तो देखिए, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव फाइन इंसॉल्युबल सॉलिड। जो फाइन इंसॉल्युबल सॉलिड है, जो बड़े बड़े इंसॉल्युबल सॉलिड जो लिक्विड में प्रेजेंट हैं, उनको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं हम। और घर में जो हमारे एप्लीकेशन है, देखिए थ्री एप्लीकेशन वेयर फिल्ट्रेशन इज यूज एट होम कौन कौन से हैं, वाइल प्रिपेयरिंग टी, टी लीव्स आर फिल्टर्ड आउट यूजिंग स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का यूज करते हैं जिसमें टी में से टी लीव्स को सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। दूसरा वाटर फिल्टर घरों में है सभी को के, तो ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करने के लिए फिल्टर लगे होते हैं उसमें, जो हम जो घरों में फिल्टर्स यूज करते हैं उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, वो वाटर को दे मेक देम प्रॉपर फॉर ड्रिंकिंग। यू कैन से फिल्टर्स जो होते हैं उस वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूजफुल बनाते हैं। थर्ड, सीवेज सिस्टम में फिल्टर्स का यूज किया जाता है टू मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर प्रोसेस। इस वे प्रोसेस का यूज सीवेज सिस्टम में भी किया जाता है फिल्ट्रेशन का। राइट बेटा, आई थिंक सो यू हैव गॉट दिस थर्ड आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट विद एन एक्टिविटी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रोसेस को बनाने की एक्टिविटी है ये। देखिए, एन एक्टिविटी टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एज फॉलोज। इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। बीकर में हाफ फिल्ड वाटर ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, उसमें सेकेंड पॉइंट, एड स्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल। उसमें एक चम्मच सॉल्ट लेके उसको स्टिर करो, घुमाओ, ठीक है बेटा। सो दैट क्या होगा, द सॉल्ट दैट वी एड टू द वाटर डिजॉल्व इन वाटर। जो सॉल्ट हम वाटर में ऐड करेंगे वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, गो ऑन एडिंग मोर सॉल्ट एंड स्टिर। और सॉल्ट उसमें ऐड करते जाओ सॉल्यूशन में और उसको स्टिर करते जाओ। फिर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन देखिए, वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर एडिंग फ्यू स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट के कुछ स्पून डालने के बाद उस सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व। कुछ सॉल्ट जो होता है वो अनडिजॉल्व रहता है, और क्या होगा, एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और बीकर के बॉटम में वो सेटल हो जाता है बेटा, वो बैठ जाता है। इट मीन्स द सॉल्यूशन हैज बिकम ये कंडीशन जो होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। नाउ दिस कंडीशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन। राइट बेटा, आई थिंक सो यू हैव गॉट दिस आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट, डिफाइन इवेपोरेशन, हाउ इज सॉल्ट प्रिपेयर्ड एट सी शोर। इवेपोरेशन को डिफाइन करना है और सी शोर में सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये बताना है। आंसर देखिए, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। वाटर को हीट करके उनको वेपर फॉर्म में चेंज होना, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। ये प्रोसेस कहलाता है इवोपरेशन का। अब सॉल्ट कैसे ऑप्टेन करते हैं शीशोर पे देखिए, एट शीशोर सी वाटर इज अलाउड टू कलेक्टेड इन शेलो एंड लार्ज पिट। सी वाटर को शीशोर पे थोड़े शेलो पिट बना लेते हैं और वहाँ पे सी वाटर को डाल देते हैं, रख देते हैं। द सन रेज इवोपरेट द वाटर। सन रेज वाटर को इवोपरेट करते हैं बाई हीट करके उनको इवोपरेट करते हैं, चेंज इन टू वाटर वेपर। द इवोपरेटिंग वाटर लीव्स बिहाइंड द सॉल्ट। वाटर जब
ऑल द वाटर गेट इवोपरेटेड, तो केवल क्या रह जाएगा बेटा पिट्स में, सॉल्ट रह जाता है, राइट बेटा। द रेजिड्यू लेफ्ट ऑन इवोपरेशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। इस तरीके से क्या रह गया बेटा, पिट्स में सॉल्ट का मिक्सचर रह गया, है ना। नाउ कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई फर्दर प्योरिफिकेशन। उसके बाद फैक्ट्रीज में, मशीनों में इस सॉल्ट को प्यूरिफाई कर लेते हैं, जिससे हमारे वो कुकिंग यूज का हो जाता है, राइट बेटा। समझ में आया? लाइक दिस वी गेट सॉल्ट एट शी शोर। ओके बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग, चॉक पाउडर एंड सॉल्ट। इनका अगर मिक्सचर है तीनों का, किसका किसका, आयरन फिलिंग का, चॉक पाउडर का और सॉल्ट का, तो कैसे हम सेपरेट करेंगे। देखिए, वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग, चॉक पाउडर एंड सॉल्ट बाय यूजिंग मैग्नेट। पहले मैग्नेट का यूज करेंगे, इस मिक्सचर के पास में मैग्नेट लेके आएंगे, ठीक है। और आपको मालूम है आयरन फिलिंग्स जो है वो क्या है, आयरन फिलिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स है, ठीक है। तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन करेंगे पहले, फिर मैग्नेट फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन। तो फर्स्ट अ मैग्नेट इज मूव्ड, मिक्सचर के पास एक मैग्नेट लाई जाती है। तो व्हाट विल हैपन, वी विल नोटिस दैट द मैग्नेट पिक अप आयरन फिलिंग। जो मिक्सचर में आयरन फिलिंग्स प्रेजेंट हैं वो मैग्नेट, बिकॉज दे आर मैग्नेटिक मटेरियल, दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करेंगे, चॉक पाउडर एंड सॉल्ट आर मिक्सड इन वाटर। चॉक पाउडर और सॉल्ट के मिक्सचर को किसमें डाल देते हैं, वाटर में। सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बट चॉक पाउडर डज नॉट, क्योंकि सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, वो हो जाएगा, और चॉक पाउडर नहीं होता है बेटा डिजॉल्व, इसलिए वो रह जाएगा। नाउ क्या करेंगे, सो चॉक पाउडर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर यूज करके चॉक पाउडर, क्योंकि इनसॉल्युबल है वाटर में, उसको सेपरेट कर लेंगे। नाउ व्हाट रिमेन्स इन वाटर, ओनली सॉल्ट। अब क्या करेंगे, यस ऑन हीटिंग द फिल्ट्रेट। अब जो फिल्ट्रेट मिला है जिसमें वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। द वाटर इज इवोपरेटेड, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, ओके, और सॉल्ट के क्रिस्टल्स रह जाएंगे। इस टाइप से हम देखेंगे मिक्सचर में से तीनों, आयरन फिलिंग्स, चॉक पाउडर और सॉल्ट, वो सेपरेट हो गए बाय यूजिंग दीज प्रोसेसेस। लाइक फर्स्ट वी यूज दैट मैग्नेटिक सेपरेटन सेपरेशन, सेकेंडली वी यूज दैट फिल्ट्रेशन, एंड लास्टली वी यूज दैट, यस बेटा, इवोपरेशन। ओके बेटा, आई थिंक सो यू हैव गॉट ऑल दिस एक्सप्लेनेशन। डायग्राम्स रिलेटेड टू द आंसर्स आर गिवन, ओके, हेयर ऑल्सो। नाउ हेयर यू सी द डायग्राम्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन का डायग्राम है, आप देख सकते हो, जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट सेपरेट किए जा रहे हैं। दूसरे डायग्राम में, सेकेंड डायग्राम में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, एंड थर्ड में इवोपरेशन का, जो प्रोसेस यूज किए गए थे किसमें, इन सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग, ओके बेटा, सॉल्ट एंड चॉक पाउडर, राइट बेटा। ये डायग्राम उसी से रिलेटेड हैं बेटा, राइट, है ना। नाउ आई थिंक सो यू हैव गॉट ऑल दिस एक्सप्लेनेशन। इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द PDF ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, ओके, एंड यू हैव टू राइट दिस ऑन योर, यस,
क्लास वर्क नोटबुक। राइट बेटा, बाय बेटा, बाय बाय।